पत्नी के प्रेम में 22 वर्षों तक कड़ी मेहनत कर पहाड़ का सीना काट डाला बाबा दशरथ मांझी ने। विशाल पहाड़ ने बाबा के जुनून के आगे आखिरकार मत्था टेक दिया। पहाड़ ने हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। प्रेम पथ के नाम से जाना जाता है यह रास्ता। प्रेमी युगल यहाँ आते हैं कस्मे खाने। गया से 35 किलोमीटर दूर मोहरा प्रखंड के एक छोटे से गांव गहलौर घाटी के रहने वाले दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के प्रेम में पहाड़ का सीना चीर कर रख दिए थे, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। भले ही शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में नायाब ताजमहल बनवाया, लेकिन गया के गहलौर घाटी के रहने वाले दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में 22 वर्षों तक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटकर जो सुगम रास्ता बनाया, वह आज मोहब्बत के लिए अनोखी मिसाल बन गया है। प्यार की इससे बड़ी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। भले ही दशरथ मांझी आज इस दुनिया में नहीं है, मगर इस सुगम रास्ते पर चलने वाले लोग आज उन्हें जरूर याद करते हैं और वहाँ रुक कर लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते। आज यह जगह प्रेम पथ के नाम से जाना जाता है। हर आने जाने वाले लोग यहाँ रुककर बाबा के बनाए गए स्थल पर सेल्फी लेते हैं। मोहब्बत और जज्बे की इतनी बड़ी मिसाल दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलती। बाबा दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कहते हैं कि जब मेरे बाबा दशरथ मांझी जंगलों और पहाड़ों से लकड़ी काट कर बाजार में बेचते थे तो हम लोग का पेट भरते थे। तभी मेरी माँ फाल्गुनी देवी पहाड़ पर खाना खिलाने के लिए खाना लेकर जा रही थी और वे पत्थर से ठोकर खाकर गिर गईं और खाना बर्बाद हो गया। इसके बाद से वह बीमार पड़ गईं और इलाज के अभाव में मर गईं। तब से बाबा ने प्रण लिया कि जब तक पहाड़ को तोड़कर रास्ता नहीं बना देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और तब से उन्होंने पहाड़ काटने का काम शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में उन्हें घर और गाँव के लोग पागल कहते थे, लेकिन जब उन्होंने सालों की मेहनत से पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया तो सब देखते रह गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपनी पत्नी के प्रेम में उन्होंने पहाड़ का सीना काटकर रास्ता बना दिया। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं जो प्यार में कुछ ऐसा कर गुजरे उसे यादगार बना सके। दशरथ मांझी जी का क्या कहानी है पहाड़ से जुड़ा हुआ? आपके पिताजी रहे हैं, क्या कहानी है, कैसे कहानी सुनाएगा? हाँ थोड़ा सुनाओ ना। हाँ थोड़ा सुना दीजिए कहानी, कैसे हुआ ये? देखिए पहाड़ था दरार, तो हमारे पिताजी जंगल गया, जंगल से लकड़ी काट के बाल बच्चा को बेच के भरण पोषण करते थे। तो हमारा माई है जो खाना लेके जा रहा था, और पहाड़ दरार है और मटका लेके जा रहा है माथा पर, मटका में पहाड़ में टकरा कर गिर गया। गिरला के बाद में उन लोगों जा बैठ गया, चोट भी लग गया। तो हमारे पिताजी आया जंगल से, तो खाना गिर गया, पानी गिर गया, तो देख करके वो जो अथी हो गया कि अब खाएंगे कोची। तो वही तहे दिन से हमारे पिताजी जीत बांध लिया कि हमारा पत्नी के घड़ा फूटा संसार के कितना फूटेगा। तो वही हमारा तीन बकरी बेच करके छेनी हथौड़ी लग के ला करके और घाट में काम करने लगा। करते करते 22 साल लगा। बाईस साल में रास्ता बन गया। वो सरकार के यहाँ गया नीतीश कुमार ही, तो नीतीश कुमार सोचा तो पक्की रोड बनवा दिया, उजीरगंज से चनंडी मोड़ तक पक्की रोड, नदी में पुल बना दिया। कितना कष्ट होता था, कैसे लोग उनको तो पागल पागल भी सब कर देता था। लोग जवार के समझा कि एक आदमी से कहीं रास्ता बनाए, ये तो पागल हो गया, जो हमारे दादा है ये है, कोई आदमी के विश्वास नहीं था। कि आने जाने का रास्ता हो गया तब आदमी के विश्वास हुआ कि हाँ अब रास्ता बन जाएगा। पत्नी के प्यार में ही पूरा काम। हाँ क्या बताइए, उसी वजह से जैसे घड़ा फूटा तो उसके ही जिद से ना वो उन लोग पहाड़ के रास्ता बना दिया कि हमारा पत्नी के ये घड़ा फूटा संसार पब्लिक को कितना तक कठिनाई होगा। तो आज के यूथ को इसी तरह की मोहब्बत करनी चाहिए कि एक कोई मिसाल कायम कर दे, जैसे रास्ता आपके पिताजी ने काट कर बनाया है।
आज यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं और इस जगह की यादों को सजो कर रखने के लिए फोटो भी खींचते हैं। वहीं दशरथ मांझी को जानने वाले ग्रामीण अभिनव और गोविंद बताते हैं कि वो उस समय विख्यात हो गए जब दशरथ मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना चले गए। जब मुख्यमंत्री को बाबा के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उन्हें बुलाकर सम्मान से मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर बाबा दशरथ मांझी को बैठा दिया, जो अखबारों और चैनलों में खूब खबरें आईं। आज के युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज फर्स्ट बार आए हुए हैं, इतना नाम सुने दशरथ मांझी जी को, जो अपना बीवी के लिए पहाड़ काटे हैं, तो यही जाने हैं। और उनका मूवी भी अच्छा लगा जो बनाए हैं मांझी 2.10, वो अच्छा लगा देखने में, बहुत अच्छा सीन है भी और अच्छा लगता है। क्या जानते हैं पत्नी के प्रेम में? हाँ सर, पत्नी के प्रेम में लोग बोलते हैं और मूवी भी देखे हैं, मूवी में भी दिखाया हुआ है सब। हाँ, वो शाहजहाज ने भी ताजमहल बनाए थे जो अपना बीवी के प्रेम में, और इन्होंने भी बनाए हैं जो पहाड़ काटे हैं, और बहुत ही अच्छा रास्ता भी बना दिए हैं ताकि मतलब हॉस्पिटल भी नज़दीक ऐसे पड़ता है। उनका बीवी जो पहाड़ से पैर फिसल के गिर गए हैं, तो मतलब वही लेट हुआ है, तो इसी आज के युवाओं को क्या सीख लेना चाहिए? आज के युवाओं को सीख यही लेना चाहिए कि आजकल के लोग सिर्फ दिखावे करते हैं जी, ये हैं, इनसे सबक लेना चाहिए कि प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं। बस आजकल के लोग तो हैं कि कुछ पैसों के लिए ऐसा वगैरह वगैरह कुछ भी, बट इन ये हैं थे पत्नी के मर जाने के बावजूद भी पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाए जो कि हॉस्पिटल जल्दी पहुंच सके लोग, यही कहना है। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज छाई हुई थी, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना, जो 22 सालों तक जारी रहा। जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। दशरथ मांझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 40 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर रह गया। वहीं केतन मेहता ने उन्हें गरीबों का सहनसा करार दिया। साल 2007 में जब 73 वर्ष की उम्र में वो दुनिया छोड़कर गए, तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।